आप लोग कितने हज कमेटी से जा रहे हैं? अच्छा, अक्सरियत हज कमेटी के लोगों की ना, तो थोड़ा हज कमेटी के ताल्लुक समाप्त कर ले कि हज कमेटी की एक ही बिल्डिंग में आप लोगों को रहने का कयाम का बंदोबस्त होता है। उसमें जब हुज्जाजे कराम उमरा करके अपने कपड़े धोते हैं तो एक साथ रस्सी पर डालते हैं, तो कपड़े अपने अपने कपड़े सब डाल देते हैं। अब जब उतारने जाते हैं तो किसी को शक व शुबा होता है कि ये मेरा एहराम है कि नहीं। इसीलिए आप क्या करें, जब आप एहराम खरीदेंगे तो एहराम के कॉर्नर पर आप जो है किसी पेन से, कलम से, जो नहीं मिटने वाला कलम हो, परमानेंट मार्कर हो, उस मार्कर से अपनी एहराम के कॉर्नर पर अपने नाम का इनिशियल दे दीजिए, MH दे दीजिए। मोहम्मद हुसैन है तो MH लिख दीजिए, या आपका नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये लिख लीजिए आपकी आइडेंटिटी के लिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता ऐसा हो, आला हजरत फरमाते हैं कि अगर आपने धोबी को कपड़े दिया और धोबी ने आपको कपड़े लाकर किसी और के दे दिया, अगर आपने वही कपड़े पहन के नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आपकी बीवी ने, बहन ने, सब ने, औरतों ने मिलके कपड़े धो दिए और सब एक रस्सी पे डाल दिए, सब कपड़े एक जैसे, टुवाल जैसे एहराम है, कॉटन वाले एहराम है, तो कैसे पहचानेगा कि हमारा एहराम कौन सा है? तो अपने एहराम पर निशानदही कर ले कि ये मेरा एहराम है।